जय श्री राम मित्रों, डिक्टेशन स्टार्ट। कुलगाम में हिंदू अध्यापिका रजनी बाला की हत्या यही बताती है कि कश्मीर में सक्रिय आतंकी गैर मुस्लिमों को खास तौर पर निशाना बनाने पर आमादा हैं। विराम। इन आतंकियों ने सरकारी स्कूल में घुसकर रजनी बाला को जिस तरह गोली मारी, कौमा उससे उस खौफनाक घटना का स्मरण हो आया, कौमा जिसमें चंद माह पहले श्रीनगर के एक स्कूल में कुछ इसी तरह एक सिख शिक्षिका और एक कश्मीरी पंडित शिक्षक की हत्या की गई थी। विराम। इन दोनों को उनके पहचान पत्र देखकर गोली मारी गई थी। विराम। इसके बाद से इसी तरह से हत्याओं का सिलसिला कायम है। विराम। अभी पिछले दिनों बड़गाम जिले में आतंकियों ने तहसील कार्यालय में घुसकर वहां के कर्मचारी राहुल भट्ट को गोलियों से छलनी कर दिया था। विराम। वह भी कश्मीरी पंडित थे। विराम। यह ठीक है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान इस तरह की टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को कुछ ही दिनों के अंदर ढेर कर देते हैं, कौमा लेकिन इससे घाटी में बचे खुचे कश्मीरी हिंदुओं की दहशत दूर नहीं होती, कौमा क्योंकि वे हर दिन अपने लोगों की हत्या के भयावह सिलसिले को देख रहे हैं। विराम। इससे उनका मनोबल तो गिरता ही है, कौमा कश्मीरी हिंदुओं की घाटी में वापसी की संभावनाएं भी स्याह होती हैं। विराम। तेरा चेंज। आतंकी केवल कश्मीरी हिंदुओं को ही भयाक्रांत नहीं कर रहे हैं। विराम। वे जब तब कश्मीर पुलिस के जवानों को भी निशाना बनाते हैं और उन्हें भी, कौमा जिन्हें पाकिस्तान प्रस्त तत्वों के हिसाब से चलना स्वीकार नहीं। विराम। वास्तव में आतंकी कश्मीरी हिंदुओं के साथ घाटी के हर उस व्यक्ति को खौफ जदा करना चाहते हैं, कौमा जो राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए तैयार है। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। विराम। वहां सरकार भले ही बदल गई हो, कौमा लेकिन भारत के प्रति रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। विराम। यह एक विडंबना ही है कि जब पाकिस्तान कश्मीर को अस्थिर अशांत करने से बाज नहीं आ रहा है, कौमा तब भारत उससे सिंधु जल संधि पर बात कर रहा है। विराम। क्या यह उचित नहीं कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए भारत इस संधि पर नए सिरे से विचार करे? प्रश्नवाचक। यदि पाकिस्तान को कश्मीरियों के हितों की इतनी ही चिंता है तो फिर वह अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का दमन क्यों कर रहा है? प्रश्नवाचक। सवाल यह भी है कि तमाम अत्याचार के बाद भी गुलाम कश्मीर में वैसी कोई आवाज़ क्यों नहीं उठती, कौमा जैसी घाटी के अलगाववादी उठाते रहते हैं? विराम। यह एक सच है कि कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को खाद पानी देने का काम पाकिस्तान के साथ खुद घाटी के भी कुछ लोग कर रहे हैं और इनमें राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं। विराम। निस्संदेह आतंकियों के साथ ये भी चुनौती बन गई हैं। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।